नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन। जी हाँ, नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी हाँ, एज यूजुअल, क्या आज भी आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, गारंटीड आप समझ लो कि ये आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। यस, 8, 18, 16, 16, यू कैन सी द लॉन्ग लॉन्ग पिलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक को थोड़ा ये ट्रिकी लगता है, प्रॉब्लम देता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इनटू इट। अब उनको ये डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूलाज है तो डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि उनको याद नहीं रहता है। याद क्यों रखने की कोशिश करनी पड़ती है? क्योंकि उन्होंने खुद ने लॉजिकली डिराइव नहीं किया होता है। बट क्या आपको यह तकलीफ आएगी क्या? तो उल्टा रिवर्स चालू करते हैं, उनको डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि लॉजिकली डिराइव नहीं किया होता है। तो अब अपन लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एटलीस्ट ये समझ गए होंगे कि क्या एक वर्ड भी अपन लोग ने लॉजिकली समझे बिना किया क्या? द आंसर इज नो। सो कैन आई से एवरी सिंगल फॉर्मूला जो अपन लोग करने वाले पोर्टफोलियो में भी, कैन आई से उसके पीछे कुछ लॉजिकल बेस होगा? द आंसर इज यस। अगर लॉजिकली खुद ही एग्जाम्पल के थ्रू, बराबर है, अपन लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू खुद ही अपन लोग लॉजिकली फॉर्मूला को डेरिवेट कर रहे हैं, देन इन दैट केस कैन आई से फिर फॉर्मूला याद रखने का टेंशन रहेगा क्या? नो। सो कैन आई से फिर अपने लिए ये चैप्टर इजी बन जाएगा? द आंसर इज यस, यस एंड यस, एंड दैट्स हाउ द अप्रोच विल बी फ्रॉम माय एंड। ऑलराइट गाइस, तो सो इसके लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यस, अगेन यहां पे भी चीजों को लॉजिकली बेसिक्स से समझेंगे, स्ट्रांग रखेंगे अपना बेसिक्स, एंड देन फिर बाद में कोई टेंशन नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड्स में अपन लोग ने इतने बेसिक्स पे गए कि भाई कहां से वो चैप्टर आया, सब टॉपिक आया या म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट आया, वो भी शायद अपने को आज पता है। तुम लोग भूल गए होगे, बट मैंने बताया था 1772 व्हेन कैटविच नेदरलैंड्स, ऐसा ही कुछ सभा हुई थी जमा, एंड वहां पे ये डिस्कशन होते होते थिंग्स वर्कड आउट। ऑलराइट गाइस, तो बस इसी बात के ऊपर अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड टू एंड आप लोग को इसमें मैं हाथ पकड़ के चलूंगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू विल हैव नो इश्यूज व्हाट सो एवर। राइट पब्लिक, राइट पब्लिक, राइट पब्लिक, चलो डन है। तो ऑन दैट नोट, पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, हर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का ड्रीम होता है कि वो भी एक पोर्टफोलियो को मैनेज करे। So, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में व्हाट एग्जैक्टली डज अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ, व्हाट डज अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ? सो कैन आई से अब अपनी भाषा में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में, इन आवर लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन आवर लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। आप बोलोगे सर मैं तो मॉडलिंग का पोर्टफोलियो बना के आया, वही पोर्टफोलियो है क्या ये? नहीं। सो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो, यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो। सो जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, सो यहां पे पोर्टफोलियो में कैन आई से आ जाएंगे मेरे इन्वेस्टमेंट टाइप्स, करेक्ट? कैन आई से मेरे आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट टाइप्स। आप लोग बताओगे, यू विल टेल मी व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट टाइप्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्टफोलियो। यस करेक्ट, प्रेरणा जैन, कान्या ढींगरा, प्रेरणा जैन कहां गायब हो गई थी तू? करेक्ट, मुस्कान, श्रवण, श्रवण शेट्टी, अ स्पेशल शाउट आउट टू श्रवण शेट्टी, रूपल दवे, ऑल दे हैव मेड अ वेरी वेरी नाइस व्हाट यू कैन से स्टूडेंट नोट्स ऑन म्यूचुअल फंड्स, आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है उन्होंने। चलो, सो हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो में आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वेरियस
टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा चलो, मैं भी आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि क्या क्या है ये टाइप्स ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट्स जिसके थ्रू एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा सकता है, जिसके थ्रू एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा सकता है। बोलो बोलो, चल चल करेक्ट। मैं बोलता हूं सबसे बेसिक वाला, सबसे बेसिक वाला जो कोई नहीं बोल रहा है, एंड दैट इज फिक्स डिपॉजिट। सब लोग ने ना म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सब बोला। बेचारे फिक्स डिपॉजिट को भी मान सम्मान दे दो। गाइस मजाक नहीं कर रहा हूं, दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ गुड पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। यस, पब्लिक को लगता है बस शेयर शेयर शेयर, नहीं, फिक्स डिपॉजिट का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। दैट वर्क्स लाइक अ, बोलते हैं ना, बैलेंस लेकर आता है आपके पोर्टफोलियो में। कितना रिस्क आप नहीं ले पाओगे, जब आपके पास एक्चुअली पैसा आएगा ना, तो इतना इजी नहीं होता है पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डालना या म्यूचुअल फंड में डालना। कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड लगेगा, भाई कहीं अगर कुछ हो गया तो। सो देयरफॉर यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी रेडी विद दीज थिंग्स। सो पहला मेरा टाइप आ रहा है ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, या जिसको अपन बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, राइट? तो थोड़ा ये अपने को सेटल रखता है, एब्सोल्यूटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, बराबर, एब्सोल्यूटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। सो जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा ना, तो सीधा उसको मैं बोलो, ये कंपनी का शेयर ले ले, ये कंपनी का म्यूचुअल फंड ले ले। पहले स्टार्ट उसको रिस्क फ्री से करवाओ, समझ रहे हो? फिर बाद में थोड़ा सा रिस्की पे आ जाओ। बोलो, रिस्क फ्री है फिक्स डिपॉजिट तो अपने को पता है, इसके बाद थोड़ा सा रिस्क पे आना है मेरे को, तो मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट करूंगा? थोड़ा सा रिस्क पे आना है मेरे को तो। बोलो बोलो, आप लोग बताओगे? चलो फटाफट एवरीबॉडी। सो एक लेवल रिस्क बड़ा, लिटिल रिस्क इसको अपन लोग बोलेंगे, लिटिल रिस्क। एंड ये आ जाएगा डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, राइट? जसलीन कौर, स्कॉन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये मेरा आ जाता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। दिस इज माई सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क योर एसेट। अब आप बोलोगे आपके क्लाइंट को, चलो भाई अब थोड़ा रिस्क लेना चालू करते हैं, अब थोड़ा रिस्क लेना चालू करते हैं, राइट? ओके, इसके बाद नेक्स्ट रिस्कियर, थोड़ा सा और रिस्कियर, हाई, थोड़ा सा और रिस्कियर मैं बोलूंगा। अब एक्चुअली सिमिलरिटी आ गया रिस्क में कि डेट ओरिएंटेड तो देखो आ गया ना। अब आ जाता है अपना, यस यू कैन से म्यूचुअल फंड, उसमें पहले डेट ओरिएंटेड और फिर इक्विटी ओरिएंटेड, राइट? सो नहीं, आरुषि गोयल लिख रही है शेयर, श्रवण शेट्टी लिख रहा है नो नो शेयर, नो नो नो, पहले म्यूचुअल फंड, पहले म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में भी, म्यूचुअल फंड में भी पहले डेट ओरिएंटेड वाला और उसके बाद इक्विटी ओरिएंटेड वाला। ओके, फिर और लेवल बढ़ाना है अपने को अपना, कमान। सो नेक्स्ट विल बी गोल्ड, नेक्स्ट रिस्कियर एसेट विल बी गोल्ड, और उसके बाद फाइनली 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 यस योर इक्विटी शेयर्स, योर इक्विटी शेयर्स। ओके, सो ये एक हायरार्की ऑफ रिस्क में अपन लोग ने लिख लिया है। हायरार्की का ऑपोजिट क्या होता है? वो वाले टॉप डाउन, बोलते हैं ना, रिस्कियर में अपन लोग ने ये लिख लिया है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अब आप लोगों को बता दूं, मैं इससे रिलेटेड एक चैप्टर है जो अपन लोग ने कर लिया, ठीक है? बॉन्ड्स वाला एक चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये अपन लोग एक चैप्टर में करने वाले हैं। एमएफ करके चैप्टर कर लिया, बराबर है? अब मेरे को बताओ, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट तो रिस्क फ्री है, इस पे तो कोई ऐसा चैप्टर आएगा नहीं। तो अब आपको क्या लग रहा है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या लग रहा है? कौन सा इसमें से इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेगा? प्रिंस पूछ रहा है सर, वाई गोल्ड सेकेंड मोस्ट रिस्की? अरे ऐसे ही एक डाला है रे बाबा, इसमें गोल्ड डिपेंड्स थोड़ा, वो भी नॉन रिस्कियर है, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट भी बोल रही है मानसी, वेरी नाइस। सो रियल एस्टेट ही बोल रही है मानसी,
रियल एस्टेट को तो और हायर लेवल ऑफ रिस्क में रखूंगा, बिकॉज रियल एस्टेट जरा भी लिक्विड नहीं है, ठीक है, रियल एस्टेट जरा भी लिक्विड नहीं है। एटलीस्ट इक्विटी शेयर्स में मेरा अगर गिर रहा है शेयर का वैल्यू, तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि भाई चलो इसका इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो रहा है। अगर इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, 101% मेरे को उसको बेच देना चाहिए, मतलब ऐसे ही जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। तो एटलीस्ट वो ऑप्शन तो है मेरे पास। रियल एस्टेट में अगर वैल्यू डाउन हो रहा होगा तो इतना ईजी नहीं है ना उसको बेचना, तो वो रिस्क बढ़ा देता है उसका, ठीक है। हाँ भाई, सो डिबेंचर बॉन्ड्स को समझना है उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर, म्यूचुअल फंड को समझना है उसके लिए सेपरेट चैप्टर है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ज्यादा इंस्टीट्यूट ने बातें नहीं की है, उसके ऊपर ज्यादा इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला है। बट इट इज कॉल्ड एज AIF, इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड रियल एस्टेट इज कॉल्ड एज AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन AIS, बट उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ज्यादा बोल नहीं रहा है। तो अब बचता है अपन सबका जी हाँ फेवरेट, जी हाँ चहिता, एंड दैट इज इक्विटी शेयर्स। एंड इस चैप्टर में अपना पूरा फोकस यही एसेट क्लास के ऊपर होने वाला है, दैट इज इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है आप लोग को एवरीबॉडी? सो क्या करते हैं अपन लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट लेते हैं। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट जो है, ठीक है, इसके जैसे और भी है, जैसे आप लोग बोल सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो सब रिस्क फ्री है और उनमें रिटर्न भी एकदम कम मिलता है, रिस्क फ्री है, टेंशन फ्री है, तो वो बेसिकली यहां पे आ जाते हैं। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहां पे आई कैन राइट इट डाउन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, कमर्शियल पेपर आ गया, ऑल ऑफ दैट विल बिकम कम हियर। अब जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में और भी कमोडिटीज आ सकती है, जैसे आपकी सिल्वर आ गई, राइट, यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आ गए, कमोडिटीज आ गई, ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, सबसे पहला जो आता है आपका, दैट बेसिकली इज योर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। दिख रहे आप लोग, ये दोनों जो फर्स्ट दो है वो क्या है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के, इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम आने ही वाला है। दूसरा जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का, दैट इज रिस्कियर बट बैलेंस्ड, रिस्कियर बट बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट। फिर जैसे गोल्ड, वो बोल सकते हो आप कमोडिटीज बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स एंड रियल एस्टेट तो अपने आप में एक अलग ही इन्वेस्टमेंट्स है। कोई बोल रहा है बिटकॉइंस, यस मीर एब्सोल्युटली, बिटकॉइंस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, द मोस्ट रिस्कियर, तो चलो उसको एकदम लास्ट में अपन लोग ने रख दिया, राइट राइट सर, करेक्ट। सो लेट्स यूज द करेक्ट वर्ड एंड दैट इज क्रिप्टो, दैट्स द करेक्ट वर्ड, क्रिप्टो। बिटकॉइन इज वन ऑफ द क्रिप्टो एसेट। टाइम पे कितनी धूम थी ना क्रिप्टो की, अभी देखो एकदम टन 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 टन। चलो, सो इसको अगर मेरे को थोड़ा और फर्दर रीडिवाइड सब डिवाइड करना हो तो कैन आई से, सबसे पहला मेरे पास कोई मेरा क्लाइंट आया तो उसको मैं क्या सजेस्ट करूंगा, उसको मैं सजेस्ट करूंगा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आ सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इसके अंदर आ सकता है फिर आपका ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इसके अंदर आ सकता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर बाद में आ सकता है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट, एंड देन वी विल ऑलवेज हैव बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, राइट। तो ये मेरे बेसिकली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, ये मेरे बेसिकली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, डन डन डन। फिर बाद में आ जाता है आपका, जैसे मैंने बोला यू कैन से शेयर्स वाला इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड भी इसी में काइंड ऑफ इंक्लूडेड हो जाएगा। सो शेयर्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, शेयर्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाता है आपका, इधर आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड्स,
राइट ओके, इधर आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर्स, वैसे तो इंडिया में होता नहीं है बट प्रेफरेंस शेयर्स मे ऑल्सो कम हियर। ओके कन्वर्टिबल्स होते हैं, वो याद तो आते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, अपने को थोड़ा कन्वर्टिबल्स के बारे में भी पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स राइट डन। ओके सर जसलीन पूछ रहे सर व्हाट इज कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सो देयर विल बी अ चैप्टर कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पे अपने को यही इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सो आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। राइट चल देन शेयर्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ये मेरा यहां पे आ जाता है। सर व्हाई प्रेफरेंस शेयर्स नॉट इन इंडिया, अब वो तो इंडियन कॉर्पोरेट्स को पूछो, इंडियन कॉर्पोरेट्स अनफॉर्चुनेटली डोंट इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने नहीं देखा है किसी भी कंपनी को एज सच प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हुए, डेट इशू होगा, इक्विटी शेयर्स इशू होगा, आईपीओ आएगा, एफपीओ आएगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बट प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक डोंट प्रिफर, आई मीन कंपनीज डोंट प्रिफर, उनको लगता है कि प्रेफरेंस शेयर करें उससे अच्छा हम लोग डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। चलो देन वी हैव कमोडिटीज, देन वी हैव सॉरी कमोडिटीज, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आ सकते हैं आपके यू नो यू कैन से प्रेशियस प्रेशियस मेटल्स। सो कैसे प्रेशियस मेटल्स आ सकते हैं यहाँ पे, यस करेक्ट, जैसे योर गोल्ड, मेरा एक फ्रेंड है वो एक्सक्लूसिवली एक ही काम करता है, गोल्ड ट्रेडिंग, सिल्वर ट्रेडिंग ऑन एमसीएक्स मार्केट, ठीक है ना, ये एमसीएक्स मार्केट है इसका, जैसे अपना स्टॉक मार्केट है ना, शेयर मार्केट, शेयर बाजार बोलते हो, वैसे ही इसका एमसीएक्स मार्केट है कमोडिटीज का। सो वहां पे गोल्ड का, सिल्वर का, नेचुरल गैस हो गया, फिर वो सब नहीं, टर्मरिक हल्दी होता है ना, हल्दी उसका भी ट्रेडिंग होता है, धनिया होता है ना, धनिया उसका भी ट्रेडिंग होता है, यस दैट्स ट्रू, सो इवन कमोडिटीज लाइक टर्मरिक जिसको अपन बोलते हैं हल्दी से, धनिया राइट उसका भी ट्रेडिंग होता है एटसेट्रा, वीट है उसका ट्रेडिंग होता है। चलो प्रकाश है सेइंग जस्ट ज्वाइन सर, नो डोंट वरी यू हैव जस्ट ज्वाइन, नो प्रॉब्लम्स। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो यू नो यू कैन से अ कमोडिटी, सो यस क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग वेरी नाइस। फिर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड आजकल आउटसाइड इंडिया, एटलीस्ट अमेरिका में एक फैशन आ गया, इंडिया में अभी तक नहीं आया, एंड दैट इज रिलेटिंग टू कार्बन क्रेडिट। सो कार्बन क्रेडिट का भी ट्रेडिंग चालू हो गया है आउटसाइड इंडिया। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, सो सपोज कोई फैक्ट्री है, हर फैक्ट्री को है ना अमेरिका में बोल दिया कि भाई तेरा फैक्ट्री 100 कार्बन से ज्यादा बाहर नहीं एमिट करना चाहिए। अब अगर आपके फैक्ट्री में 100 कार्बन से ज्यादा गया बाहर, देन इन दैट केस आपको पेनल्टी लगेगा। तो अब समझो मेरी आपका फैक्ट्री में 120 कार्बन बाहर गया, आपको अलाउड था खाली 100, तो 20 एक्स्ट्रा गया, उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगा। वो पेनल्टी से बचने के लिए आप कार्बन क्रेडिट परचेस कर सकते हो। अब कोई एक फैक्ट्री होगा जिसको 100 का लिमिट दिया है, वो उसका वो 50 में काम कर रहा होगा, तो कह रहा है इसे उसके पास 50 एक्सेस बचा है, वो इसको अपना कार्बन क्रेडिट सेल कर सकता है, तो ये 20 उसके पास से खरीद लेगा। कोई भी चीज जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है वहां पे ट्रेडिंग हो सकता है, कार्बन क्रेडिट इज वन ऑफ द थिंग्स। आउटसाइड इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज अभी स्टार्ट हो चुका है। एंड देन फाइनली देर आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, एंड देन फाइनली देर आर alternate investment strategies, right? Okay. Tesla is selling the most carbon credit to Ford ही नहीं, General Motors, lot of companies, Tesla उसी से कमा रहा है। Tesla को आगे जाके यही problem होने वाला है, जब ये Ford और बाकी सब लोग जो carbon credit positive हो जाएंगे, तब Tesla carbon credit किसको बेचेगा? हाउ मच
impact does this commodities market trading have on day-to-day prices of these commodities? Both go hand in hand. So both the demand and supply go hand in hand. So yes, definitely it has have an impact. लास्ट में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जैसा मैंने आपको बोला था और AIS, इसमें आ जाते हैं आपके रियल एस्टेट मार्केट आ गया आपका, प्राइवेट एक्विटीज आ गया. सो आपको प्राइवेट एक्विटी, अभी जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्राइवेट एक्विटीज में काम कर रहे हैं. सो दे आर सेइंग कि सर आप ये प्राइवेट एक्विटी में फर्म में इन्वेस्ट करो ना. सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. जस्ट अ मोमेंट. So yes, so private equity, currency trading भी AIS में आएगा. Yes. So यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पहले, भाई क्रिप्टो करेंसी है ना, एंड अदर करेंसी ट्रेडिंग. वेरी नाइस. सो इतने सारे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं. सर देर इज अ टर्म कॉल्ड एज डब्बा ट्रेडिंग, वॉट इज इट्स एग्जैक्ट मीनिंग? ओ भाई, डब्बा ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया, इट इज नॉट अलाउड. ठीक है. सो उसमें डेरिवेटिव्स मार्केट और ये सब मार्केट में जब कैश ट्रेडिंग होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज डब्बा ट्रेडिंग, जो लीगल नहीं है इंडिया में. और मैं लीगली आपको यहाँ पे लेक्चर में बता भी नहीं सकता उसके बारे में कुछ. थैंक यू सो मच, बट इट इज नॉट लीगल, सो स्टे आउट ऑफ इट. सर प्राइवेट इक्विटी का मीनिंग क्या है? तो से फॉर एग्जाम्पल अभी कोई कंपनी है, से जोमैटो. ठीक है, आज आपको लग रहा है कि वाह जोमैटो ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, कितना शेयर्स उसका ऊपर चले गया एंड ऑल ऑफ दैट. बट जब जोमैटो ने जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, गाइस एक मिनट, तो जोमैटो ने जब जब जस्ट स्टार्ट किया था ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम, मैं आप लोगों को खाली एक आइडिया दे रहा हूं, तो उसके पास तो तभी इतना पैसा भी नहीं था, और तब उसके पास यू कैन से इन्वेस्टर्स भी नहीं थे, राइट. बट उसको एक्सपांड करना था, तो वो टाइम पे जैसे Naukri.com का एक ओनर है, तो Naukri.com ने उसका एनालिसिस किया और बोला कि यार ये कंपनी अच्छा कर सकता है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो ऐसे ना एक प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती है जो एनालिसिस करती है बहुत सारी कंपनीज का, और वो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एट अ इनिशियल स्टेज, और फिर वो जाके जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो आपको मिलता है बहुत सारा रिटर्न. तो वैसे ही से फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी ने जब पेटीएम जस्ट नया आया था ना, नया, तब उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था. तो वो टाइम पे 10 रुपए में इन्वेस्ट किया था, जब लिस्ट हुआ पेटीएम तो 1000 रुपीज मिल गया उसको. वैसे ही से फॉर एग्जाम्पल है शिल्पा शेट्टी, तो शिल्पा शेट्टी ने मामा अर्थ में इन्वेस्ट किया था एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज. तो तब एक प्राइवेट इक्विटी फर्म था जो मामा अर्थ का एनालिसिस कर रहा था, उसने मामा अर्थ का एनालिसिस किया और बोला कि अरे यार ये फर्म आगे जाके अच्छा करेगा, आईपीओ आईपीओ लाएगा, अच्छा रिटर्न छूटेगा. उसने ये प्राइवेट इक्विटी फर्म ने शिल्पा शेट्टी को बोला कि शिल्पा शेट्टी करेगी क्या इन्वेस्ट, तो प्राइवेट इक्विटी में उसने इन्वेस्ट किया, वो प्राइवेट इक्विटी ने आगे इन्वेस्ट किया एंड दे आर नाउ गेटिंग गुड रिटर्न्स. तो वैसा होता है प्राइवेट इक्विटी में. राइट, ठीक है. यस, वेंचर कैपिटल्स, प्राइवेट इक्विटीज, एंजल इन्वेस्टर्स. तो आगे जाके आप लोगों को एक चैप्टर है स्टार्टअप फाइनेंस, वहां पे अपना ये पॉइंट्स ध्यान में रखना. अब जब आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है, जब आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. आपके शार्क टैंक इंडिया जैसा ही कुछ हुआ, ये तो प्राइवेट इक्विटी, यू आर राइट. तो शार्क टैंक इंडिया ये सब यही है, यही काम है इनका. अब जब आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो, आपका कभी भी कोई क्लाइंट आएगा और उसका पोर्टफोलियो आप मैनेज करने वाले हो, यू विल आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, एंड उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग का होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्क एपेटाइट, एंड उसी के ऊपर अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है. जी हाँ. So the first question that you are going to ask to your portfolio manager is, हाँ भाई क्या returns का expectations है, plus आपका risk लेने का कितना capacity है.
आज की तारीख में अगर आप लोग की मैं बात करता हूं तो आप लोग हो गए अराउंड 20 to 22 years, तो आप लोग का रिस्क लेने का एपेटाइट बहुत अच्छा है, राइट? तो यू आर रिस्क, यू आर गोइंग टू बी अ रिस्क टेकर. से फॉर एग्जाम्पल मेरा एज लेता हूं 25, 26, तो मेरा रिस्क लेने का एपेटाइट आप लोग से थोड़ा कम है. और अगर अपने पेरेंट्स का एज लेता हूं तो से 55, 60, उनका रिस्क लेने का एपेटाइट और कम है. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो आपको पूछना पड़ेगा आपके क्लाइंट को कि क्या है भाई आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिस्क एपेटाइट. एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? सो ये आ गया रिस्क एपेटाइट. डन. सेकेंड, क्या आपको इमीडिएट बेसिस पे लिक्विडिटी चाहिए क्या? ये भी आपको पूछना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई कितना फ्रीक्वेंटली लिक्विडिटी चाहिए. अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं मेरे को अभी नहीं चाहिए, मेरे को 10 साल बाद चाहिए पैसा, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करवा सकते हो कि भाई चलो रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा तो 10 साल में पैसा दिखेगा. रियल एस्टेट अगर आपको 2 साल में पैसा चाहिए तो रियल एस्टेट में पैसा डाल के कभी मतलब नहीं है, आपको दिखेगा ही नहीं वो पैसा, ठीक है? सो वैसा है. अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप बोल सकते हो कि भाई चलो आप डेट म्यूचुअल फंड में डालो तो रेगुलरली आपको इनकम आते रहेगा वो डेट म्यूचुअल फंड से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले का लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है. थर्ड, कई बार एथिकल प्रेफरेंसेस होते हैं, कई बार एथिकल प्रेफरेंसेस होते हैं. तो से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जेन पर्सन, तो वो जेन पर्सन बोलेगा कि भाई एनी इंडस्ट्री विच हार्म्स द एनिमल्स देन इन दैट केस उस इंडस्ट्री में मत इन्वेस्ट करो. से फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ मुस्लिम, तो वो बोलेगा कि भाई हलाल वाला कोई है देन इन दैट केस वहां पे इन्वेस्ट मत करो. तो सबके कई बार एथिकल प्रेफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस प्रेफरेंसेस होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है. जब आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे ना तो इट इज अ ह्यूज थिंग टू थिंक अबाउट. से फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यूज शरियत लॉ, तो वहां पे उनके यहाँ पे इंटरेस्ट हराम है. तो से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अगर हराम है देन इन दैट केस दे विल नेवर इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है? मुस्लिम पर्सन स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर शरियत लॉ इज यूज, गल्फ कंट्री, तो वो लोग में फिक्स डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्योंकि उनके लिए इंटरेस्ट हराम है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो. मैंने तो आपको बोला था अरे आप स्टार्ट करना आपके क्लाइंट के साथ, उसको बोलना भाई एफडी में थोड़ा डाल, बट आप वहां पे डलवा ही नहीं सकते. तो मैं एथिकल प्रेफरेंसेस को भी ले रहा हूं. कोई किसी का एथिकल प्रेफरेंस होगा, बोलेगा कि भाई नहीं मेरे को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जो से ड्रग्स बनाती है, या राइट? सो दैट केयर, या फिर जो इट सेल्स लिकर, ठीक है? सो यूनाइटेड ब्रेवरीज करके वैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए. तो आपको एथिकल प्रेफरेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है. राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? ओके. नेक्स्ट, आपको समझना पड़ता है सामने वाले का टाइम होराइजन. आपको समझना पड़ता है सामने वाले का. लेदर इंडस्ट्री का किसी का कुछ होता है, शराब, लिकर, राइट? सो अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, यू कैन आस्क देम. वैसा रिलीजियस प्रेफरेंसेस, एथिकल प्रेफरेंसेस, टाइम होराइजन, एंड देन लास्ट इज आपको उनका यह भी देखना पड़ता है कि भाई टैक्स स्टेटस या कॉन्स्ट्रेंट कुछ है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है. डन. सो दैट्स हाउ अ पोर्टफोलियो इज मैनेज्ड. अब आप मेरे को बताओ अपना इस चैप्टर में पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर है? अपना इस चैप्टर में पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर है? मैंने कुछ रेड में लिखा है, मैंने कुछ रेड में लिखा है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. पूरा का पूरा गेम इस चैप्टर में है, पहला कौन सा एसेट क्लास और दूसरा वो एसेट क्लास में किस क्वेश्चन के ऊपर. ओके, मुस्कान बोल रही है सर टाइम होराइजन से रिलेटेड एक एग्जांपल दोगे? हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे. तो से फॉर एग्जांपल मुस्कान, तेरी शादी होगी, ठीक है? पैपा 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 बज गई पुंगी. सो सपोज मुस्कान तेरी शादी होगी, ठीक है? अब जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद में
तेरी घर गृहस्थी में तू सेटल होना चालू हो जाएगी, पैसा कमाना चालू कर देगी, बराबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गई होगी। सो सपोज आज से 6 महीने बाद तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती है, आने वाले 3 साल मुस्कान ने अच्छा खासा पैसा कमाया, यू नो ह्यूज आपका सैलरी आ रहा था, आप पूरा का पूरा सैलरी इसको इन्वेस्ट कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब जब आपका मैरिज हो जाएगा उसके बाद में यू विल हैव किड्स, ठीक है। अब वो टाइम पे जब आपको इन्वेस्ट करना होगा, सपोज तेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिनके छोटे छोटे कोई बच्चे हैं और उनको इन्वेस्ट करना है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम तू उनको पूछेगी कि भाई ये बच्चों के एडुकेशन के लिए आपको प्लानिंग करना है क्या, तो वो बोलेगा हाँ। तो आपका बच्चा अभी कितने साल का है, 5 साल का है, उसका एडुकेशन का खर्चा कब आएगा, जब वो 18 साल का होगा, ठीक है। तो कहना इसे आज से 13 साल बाद आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी, शायद वो अब्रॉड जाए या कोई ऐसा कोर्स करे जिसमें पैसों की जरूरत लग सकती है, राइट। तो आपको टाइम होराइजन समझना पड़ेगा सामने वाले का, तो आपको देख पूछना पड़ेगा उसको कि भाई क्या टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करूं, और वो अभी से आपको बता देगा कि भाई देखो मेरा ना 13 ईयर्स के बाद से मेरा बच्चे को अब्रॉड भेजना है, उसके लिए मेरे को 25 लाख का जरूरत पड़ेगा, तो आप अभी ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि 25 लाख मुझे आज से 13 साल बाद 15 साल बाद मिल जाए, तो अपन लोगों को उसके टाइम होराइजन का ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? सो देर आर सम गारंटीड स्कीम्स, बहुत सारी बैंक्स गारंटीड स्कीम्स देती है, जैसे HDFC का एक संचय प्लस है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप अभी इन्वेस्ट करो और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर टाइम के बाद अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। दैट बेसिकली स्पीकिंग ऑफ योर टाइम होराइजन। Got it? वैसा समझा? किसने पूछा था? मुस्कान ने पूछा था किसी क्वेश्चन, आई होप मुस्कान भी क्लियर। हाँ भाई, तो चलो भाई अब अपना फोकस है इस चैप्टर में कौन से एसेट क्लास के ऊपर, और उस एसेट क्लास में कौन से पॉइंट के ऊपर, इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू। कम ऑन एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यस। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ये जो चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों को। रोहन भी से पूछ रहा है सर टैक्स कॉन्स्ट्रेंट्स, तो मुझे लगा तुम तो चार्टर्ड हो यार, टैक्स कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे पता होगा। चलो मैं आपको बोल देता हूं आपको, से फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, ठीक है, आपने किसी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पीरियड है 3 इयर्स, आपने इन्वेस्ट किया, तो अब आप आपके क्लाइंट को ये बोलोगे कि देखो अगर 3 साल के अंदर अपन लोग ने ये बेच दिया, देन इन दैट केस आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा, बट ये अगर 3 साल तक रखा, उसके बाद तक रखा, देन इन दैट केस आपका ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अभी अगर से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया इन्वेस्ट किया है और उसका 110 हो गया, ठीक है, तो 100 का अगर 110 हो गया तो 10 रुपए का रिटर्न आया। अब अगर मैं इसको 3 साल के पहले बेच दूंगा तो 15% टैक्स भरना पड़ेगा, तो कहना इसे वो जो रिटर्न आया है वो मेरा ऐसे ही टूट जाएगा, मेरे पास जो रिटर्न आया है उसमें से 15% तो ऐसे ही मेरा टूट जाएगा। तो मेरे क्लाइंट को मेरे को समझाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप 3 साल से ज्यादा के लिए रखो ताकि वो एग्जेम्प्ट हो जाए, ताकि आप इन्वेस्टेड रहो और आपका उतना टैक्स में अननेसेसरी रिटर्न ना टूटे। तो आपको वो टैक्स कॉन्स्ट्रेंट, टैक्स स्टेटस भी बताना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करवाओगे सो दैट आप लोग को वो हाउसिंग लोन का कुछ बेनिफिट मिल जाए, प्रिंसिपल का ETC में बेनिफिट मिल जाए, सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वेज। सो दैट इज वॉट योर टैक्स स्टेटस इज, तो आप बताते जाओगे कि भाई कौन सा इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना टैक्स का इम्प्लीकेशन है ऑन द गेन दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। एम आई राइट? कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो दे आर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो आप आपके क्लाइंट को बोल सकते हो कि देखो इसमें 1.5 लाख डाल सकते हैं, ATC में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो आपको उतना जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में पैसा तो गया ही, प्लस 30% आपको बेनिफिट भी मिल गया। 30% तो आपको बेनिफिट भी मिल गया ना कि भाई उतना आपका टैक्स बच जाएगा। सो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट, वो 1,50,000 के ऊपर 30% का बेनिफिट प्लस 45,000 इनडायरेक्टली, तो वो आप एक बेनिफिट बताओगे उसको टैक्स का। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। रोहन बी से, एम आई क्लियर ब्रदर? ब्रदर एम आई क्लियर?
वैसा। सो ये आपको टैक्स के बारे में भी बताते रहना पड़ेगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और उसका टैक्स का इंपैक्ट। डन। अब आ रहे अपन लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। फर्स्ट थिंग इन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कौन सा एसेट क्लास कर रहे वाले हैं इस चैप्टर में अपन लोग, कौन से एसेट क्लास को कवर करने वाले हैं अपन लोग? अपना फोकस यहां पे होगा मेजरली ऑन इक्विटी शेयर्स। मेजरली अपना फोकस इस चैप्टर में किसके ऊपर होगा? इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट आपका फोकस इस चैप्टर में क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट इस चैप्टर में आपका फोकस क्या होगा? करेक्ट, रिटर्न्स एंड रिस्क। सो अपन इक्विटी शेयर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट अपना फोकस होगा दो चीज के ऊपर। अपन अपने क्लाइंट को पूछने वाले हैं दो क्वेश्चन, वन रिलेटिंग टू रिटर्न एंड अदर रिलेटिंग टू रिस्क। बोलो, रिटर्न से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछोगे आप आपके क्लाइंट को? तो आप आपके क्लाइंट को पूछोगे, सर क्या लगता है कितना रिटर्न चाहिए आपको? क्लाइंट आपको पूछा है, ओ फाइनेंशियल मैनेजर कितना रिटर्न दोगे? सो दैट विल ऑलवेज ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, ठीक है। एंड जब से फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मैं आपको 12% रिटर्न लाके दूंगा, मैं आपको 12% रिटर्न लाके दूंगा और एक रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, आपका क्लाइंट आपको बोलेगा अरे नहीं, मेरे को तो 20% रिटर्न चाहिए। हाँ तो 20% रिटर्न देता हूं ना, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सो ये रिस्क रिटर्न का कैट एंड माउस गेम चलते रहेगा, ये रिस्क रिटर्न का कैट एंड माउस गेम चलते रहेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यू वॉन्ट टू इंक्रीज द रिटर्न, यू विल हैव टू इंक्रीज द रिस्क। आपका रिटर्न मैं कम करूंगा, आपको रिस्क फ्री में डाल दूंगा। सो दैट्स दिस गेम ऑफ रिस्क रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इक्विटी शेयर्स। इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इक्विटी शेयर्स इज व्हाट द होल चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। क्या अपन लोग तैयार है ये चैप्टर सीखने के लिए, जो यूजुअली पब्लिक को थोड़ा हाई लेवल का रखता है? सो मैंने पूछा था एक सर्वे में कि कौन से चैप्टर्स आपको थोड़ा ऑप्शन में छोड़ता है पब्लिक या हाई लेवल जाता है। सो देर वर टू थ्री थिंग्स, एक पब्लिक ने बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दूसरा पब्लिक ने चूज किया डेरिवेटिव्स, तीसरा चूज किया फिर सीक्वेंस में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। सो करते जाएंगे अपन, देखते जाएंगे क्या कैसे हो रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई अश्योर यू, जितने भी फॉर्मूलाज है जिससे एक्चुअली स्टूडेंट को डर लगता है, वो तो आप लोग के दिमाग में ऑन द टिप ऑफ द टंग आ जाएंगे। इस चीज को खाली ध्यान रखना एंड वी विल डू इट। सर वेटेज क्या है इस चैप्टर का? गारंटीड गारंटीड 12 to 15 मार्क्स आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। सो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो सर एकदम इच्छा से करना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ, अब आ रहे हैं अपन लोग सबसे पहली चीज के ऊपर। तो एसेट क्लास इक्विटी शेयर्स को एनालाइज करना है, समझ गया सर? उसमें सबसे पहला चीज जो इन्वेस्टर को चाहिए वो है रिटर्न्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स। तो सबसे पहला चीज अपन लोग समझने जा रहे हैं एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज के ये रिटर्न्स होता क्या है। भाई साहब ये रिटर्न्स होता क्या है? अब भारत पूछ रहा है IRRM कौन से कैटेगरी में आता है? फॉरेक्स वाले कैटेगरी में, फेज टू, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। रिटर्न्स होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी दुनिया का एसेट हो, खाली शेयर्स नहीं, कोई भी दुनिया का एसेट, भले ही वो म्यूचुअल फंड हो, भले ही वो रियल एस्टेट हो, भले ही वो इक्विटी शेयर्स हो, भले ही वो दुनिया का गोल्ड हो, कोई भी एसेट हो, रिटर्न्स खाली दो तरह के होते हैं जो मैं आप लोग के तरफ से निकलवाऊंगा। मेरे को बताओ, आप लोग ने एक चैप्टर मेरे साथ कर लिया है जिसका नाम था म्यूचुअल फंड। अगर मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में पूछता हूं तो आप मुझे उसका क्या जवाब दोगे? क्या फॉर्मूला है आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स का? एवरीबॉडी एक सेकेंड, एसेट क्लास एक बार रिपीट करना ना सर। एसेट क्लास इक्विटी, इस चैप्टर में अपना एसेट क्लास के ऊपर फोकस है, कौन से एसेट क्लास के ऊपर?
इक्विटी शेयर्स के एसेट क्लास के ऊपर, वैसा कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर अपना फोकस है वैसा। हाँ, सो रिटर्न्स, रिटर्न्स के ऊपर आ रहे थे। रिटर्न्स अपना क्या क्या होता है म्यूचुअल फंड में, किस तरह से आप रिटर्न आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड आपको दो ही तरह से रिटर्न दे सकता है, एक रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देके। आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड का के अंदर का पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन होगा, जो उसने शेयर्स खरीदा है या उसको कैपिटल गेन मिलेगा, वो सब म्यूचुअल फंड को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिविडेंड। दूसरा, नैव बढ़ा तो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। क्या इसके अलावा म्यूचुअल फंड से आपको और कोई भी रिटर्न मिल सकता है क्या? द आंसर इज नो। वो एक क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। सो क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव कैपिटल अप्रिसिएशन, राइट? प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, वो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपने को ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, राइट? सो कोई भी एसेट क्लास, अगेन आई एम टेलिंग यू, विल हैव ओनली टू वेज इन विच इट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न। वन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, जैसे डिविडेंड हो गया, जैसे इंटरेस्ट हो गया। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। समझ में आया क्या? बोलो बोलो, चल 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 आ जाओ। सो अब यहां पे उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अब अगर मैं अभी तक एक चैप्टर किया है म्यूचुअल फंड, उसमें मैंने देखा रिटर्न्स दो ही तरह के हैं। एक है या तो मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड देगा, या दूसरा उसका नैव बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन। दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन पहला। सेकेंड, अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं तो सावी वाधवा कह रही है सर नैव एट द एंड माइनस नैव एट द बिगनिंग। सो नैव एट द एंड माइनस नैव एट द बिगनिंग, मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया। ये मेरा नैव एट एंड माइनस नैव एट बिगनिंग हो गया। एंड डिविडेंड क्या हो गया मेरा, डिविडेंड क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया इनकम, रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम। और कोई एसेट क्लास पकड़ो, और कोई एसेट क्लास पकड़ो, कम ऑन एवरीबॉडी पकड़ो। चलो रियल एस्टेट लेते हैं। चलो आप मेरे को बताओगे रियल एस्टेट में आपको कैसे पैसा कमाने को मिल सकता है। बोलो बोलो, टेल टेन, रियल एस्टेट में आपको कैसे पैसा कमाने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, कैसे कमाओगे आप पैसा? करेक्ट कि नहीं? से या तो आपको रेंट के फॉर्म में पैसा मिलेगा, या आपने 10 लाख में घर लिया था, अब उसका 12 लाख हो गया है, कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगा। कि नहीं? से इट विल बी आइदर रेंटल इनकम, या जब घर का वैल्यू बढ़ जाएगा दैट विल बी कैपिटल अप्रिसिएशन, है क्या नहीं? सो जब ये रेंटल इनकम आता है, जब ये रेंटल इनकम आता है, बेसिकली ये क्या नहीं से आपका रेगुलर इनकम जैसा है ना पब्लिक, ये आपके रेगुलर इनकम जैसा है, और कैपिटल अप्रिसिएशन ये आपका वही मतलब जो आपका रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ेगा। सो रियल एस्टेट वैल्यू अप्रिसिएशन, डन टना टन टन। कैपिटल अप्रिसिएशन मीन सेल करना, तो तूने घर खरीदा था 1 करोड़ में, आज उसका वैल्यू हो गया है 1.5 करोड़, तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया है तेरे रियल एस्टेट का। चलो अब आते हैं अपन लोग से बॉन्ड्स डिबेंचर्स पे। चलो थर्ड एसेट क्लास बॉन्ड्स डिबेंचर्स। क्या लगता है अगर बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करोगे तो क्या इनकम मिलेगा? करेक्ट, कैन आई से रेगुलर इनकम के लिए आपका इंटरेस्ट है, क्या नहीं से ये आपको रेगुलर इनकम देगा। दूसरा है आपका कैपिटल अप्रिसिएशन। याद है मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट डे पे ही कि बॉन्ड्स का वैल्यू चेंज होता है। सो यहां पे भी कैपिटल अप्रिसिएशन क्या हो गया,
value of change in bonds. Yeah, change of value in bonds. समझे क्या? गच्चा एवरीबॉडी. सो क्या मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, प्लीज आपके परमिशन के साथ, क्या मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं आज के बाद? अगर कोई पूछे कि कितना रिटर्न मिलेगा इस एसेट के ऊपर, तो बेसिकली यहां पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो ही पॉसिबिलिटीज है. एक पॉसिबिलिटी है दैट कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगा, कैपिटल अप्रिसिएशन, मैं तो बोलता हूं कैपिटल अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, कुछ भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ एसेट में ऑल्सो फॉल डाउन. प्लस दूसरा तरीका है रिटर्न कमाने का इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, इन द फ्लो फॉर्म ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम. राइट, एम आई राइट? सो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे आ जाएगा? अलग अलग एसेट का अलग अलग वे होगा, फ्रॉम स्पेसिफिक एसेट, अलग अलग एसेट का अलग अलग वे होगा. जैसे डिविडेंड हो गया, जैसे इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. डन, अच्छा. अब अपन लोग कौन से एसेट क्लास की बात कर रहे हैं? अपन लोग इस चैप्टर में कौन से एसेट क्लास की बात कर रहे हैं जसलीन जी? कह रहे हैं अपन लोग इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं. आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर्स के लिए भी अगर मैं इन रिटर्न की बात करता हूं, इक्विटी शेयर्स के लिए भी अगर मैं रिटर्न्स की बात करता हूं, तो उसमें भी दो ही होगा, या तो कैपिटल अप्रिशिएट होगा या फिर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आएगा. एंड इसी से बनता है मेरा पहला फॉर्मूला जो मैंने इतना स्मार्टली लॉजिकली डिराइव कर लिया, एंड दैट इज दिस, दैट रिटर्न्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू, कैन आई से कैपिटल अप्रिसिएशन. ये कैपिटल अप्रिसिएशन को अपन लोग बोल सकते हैं चेंज इन मार्केट प्राइस, चेंज इन मार्केट प्राइस जो अपना म्यूचुअल फंड में भी था, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी, वैसे ही क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स माइनस ओपनिंग मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो यहां पे आ जाएगा P1 माइनस P0 प्लस, क्या मिल सकता है अपने को? करेक्ट, यहां से मिलने वाला है इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड. अभी अंडरस्टैंडिंग? सो इक्विटी डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट है, रेंट है, ये उसके फॉर्म जैसा हो गया. ये P1 माइनस P0 कैपिटल अप्रिसिएशन. सो ये आपका कैपिटल अप्रिसिएशन जैसा हो गया, ये आपका रेगुलर इनकम जैसा हो गया. अब अगर मेरे को रिटर्न्स परसेंटेज में करना है, तो एक बेस बनाना पड़ेगा. ऑब्वियसली द बेस विल बी P0, जैसे क्लोजिंग नैव माइनस ओपनिंग नैव प्लस डिविडेंड कैपिटल गेन अपॉन ओपनिंग नैव. तो ये P0 क्या है? ओपनिंग वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. ए समझ गए? सो क्या मैं इधर लिख लू इन तीनों का मतलब? तो कैन आई राइट सर P1 माइनस P0? सर क्या होता है P1 माइनस P0? चेंज इन मार्केट प्राइस. राइट, फिर सर P1 क्या होता है? सर P1 होता है करंट मार्केट प्राइस. P0 सर क्या होता है? P0 करेक्ट. कैन आई से मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट? करेक्ट, मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. गॉट इट गाइस? चलो डन. सो That's how the system works. क्या आप लोग ये लिखना चाहोगे? वैसे तो आप लोग properly आराम से जब time मिलेगा तब पूरा लिख लेना, but अभी के लिए इतना एक लिख लो, so that एक बोलते ना momentum आ जाएगा in terms of writing. Come on, copy this. Start. चाहिए तो पहले ये
तीन चीजें लिख लो, एक दो तीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है. स्टार्ट एवरीबॉडी, गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स. कम ऑन, यहां से स्टार्ट कर लो. चलो स्टार्ट. चलो डन. वाव आरुषि गोयल, फैंटास्टिक स्टूडेंट नोट्स यार, मजा आ गया. म्यूचुअल फंड, श्रवण शेट्टी, आरुषि, रूपल दवे, अदर्स, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन. जसलीन जी पूछ रही है, सर इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो वैल्यू अपॉन चेंजेस. अरे हाँ ऑब्वियसली.
अमेरिका हैज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ मच बिगर मार्केट ऑफ बॉन्ड्स एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स. 5 गुना बड़ा मार्केट है उनका इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में बॉन्ड्स का. इंडिया का इतना बड़ा मार्केट नहीं है, इसलिए अपने को आइडिया नहीं. चलो कहानी को आगे बढ़ेंगे. पब्लिक चल आगे बढ़ते. अब ये रिटर्न्स, अब रिटर्न्स कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम तो समझ गए, चलो अच्छी बात है. बट अब जब क्लाइंट आएगा तो अब देखो रिटर्न अपन लोग तो टोटलिटी में ले लेते हैं. से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज में आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, 1 रुपीज का आपको उसके तरफ से मिलेगा डिविडेंड. उसका नैव आज का तारीख में हो गया 12, तो टोटल आपको 3 रुपीज का इनकम मिला. 3 रुपीज का आपको इनकम मिला, तो आप क्या बोलते हो, 30% रिटर्न मिला. सो ये जो रिटर्न है, दिस रिटर्न इंक्लूड्स बोथ कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो जब भी मैं अगर आपसे बात करूं तो इट इंक्लूड्स बोथ. अब जब आपके, ये तुम लोग ने नहीं लिखा क्या, लिख लो ये फटाफट लिख लो. यस, सो अपना बात चल रहा था कि सर रिटर्न्स टोटलिटी में आता है. तो जब मैं रिटर्न्स बोलता हूं तो इट विल इंक्लूड ऑल योर कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज रेगुलर इनकम बोथ ऑफ देम. अब जब क्लाइंट मेरे पास आएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, या चलो एक यू नो इफ आई हैव टू कन्विंस यू के प्लीज इन्वेस्ट इन मी या प्लीज इन्वेस्ट इन माय फाइनेंशियल नॉलेज कि भाई हाँ मैं अच्छा रिटर्न लाके दूंगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्या पूछोगे. या इन जनरल कोई म्यूचुअल फंड वाला आता है और आप लोग को पूछता है कि सर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, मैं क्या पूछूंगा उसको पहला क्वेश्चन. बताओ परसेंटेज, क्या परसेंटेज गारंटी, कितना रिटर्न मिलेगा. करेक्ट,
कितना रिटर्न मिलेगा? करेक्ट, रोहन भीसे इज ऑलमोस्ट ऑन देयर, कितना रिटर्न मिलेगा? अग्रीड, वो तो अपने को पूछने का ही है, बट समझो आपने मुझे पूछा कितना रिटर्न मिलेगा, मैं आपको बोलूंगा कि सर कंफर्म आपको 18% रिटर्न मिलेगा, तो आप मान लोगे मेरा बात कि हाँ 18% रिटर्न ये बोल रहा है तो दे देगा, बोलो। तो यस, आप लोग ने बोला सर कितना रिटर्न मिलेगा, मैंने बोल दिया 18%, क्या आप मान लोगे मेरा बात? क्या पूछोगे आप? आपने पूछा रिटर्न, अभी खाली रिटर्न का बात करो, रिस्क को साइड पर रखो। आपने मुझे पूछा सर कितना रिटर्न मिलेगा, मैंने आपको बोला 18% रिटर्न मिलेगा, आप मेरा बात मान लोगे या कुछ और पूछोगे? करेक्ट, रोहन भीस से, ईशा अरोरा, मुस्कान, मीर, कान्या, सैफ बोल रहा है आप पे भरोसा है। अरे भाई वो म्यूचुअल फंड वाला जो आएगा वो तेरा सर नहीं होगा कि तू उसको ऐसा बोल सकेगा ना, उसको तू पूछेगा कि भाई तुम्हारा पास्ट परफॉर्मेंस दिखाओ, समझ रहे हो, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाओ, तब पता चलेगा हाँ भाई तुम इतना 18% रिटर्न ला पाओगे या नहीं, तुम लोग ला पाओगे या नहीं। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो यहां पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, यस दैट इज गोइंग टू बी फॉर द रिटर्न्स, कि भाई कितना रिटर्न्स ला पाओगे, बट वो रिटर्न्स के लिए आप डेफिनेटली सबसे पहला चीज जो मांगने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी पास्ट डेटा, दैट इज गोइंग टू बी पास्ट डेटा, ठीक है। तो अभी से फॉर एग्जाम्पल HDFC म्यूचुअल फंड वाला आया मेरे पास, ठीक है, बोलता है सर मेरे एक्चुअली हुआ मेरे साथ, अभी 2-3 दिन पहले HDFC वाले आए थे, बोले सर हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो 18% रिटर्न लाके दूंगा। मैं बोला क्या बेसिस पे दिखा? तो बोलते सर देखो मेरा पास्ट रिटर्न, तो सीधा उसने मुझे अपना पास्ट रिटर्न दिखाया, उसने बोला सर ये देखो ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में इतना हम लोग ने रिटर्न लाया सर, इतना हम लोग ने रिटर्न लाया। बोला कितना रिटर्न दिखा? तो बोलता है कि सर 20% ईयर 1 में लाए, 25% ईयर 2, सर 15% ईयर 3, 10% ईयर 4 एंड सर 16% ईयर 5। तो अब इसके बेसिस पे समझो उसने आपको ये डेटा दे दिया, समझो उसने आपको ये डेटा दे दिया, क्या इसके बेसिस पे आप उसको मान लोगे कि हाँ आएगा, कि क्या आप करोगे? अभी ये डेटा आपके पास आ गया, उसने आपने उसको पूछा चल तेरा पास्ट परफॉर्मेंस दिखा, उसने अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखाया, उसने अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखाया, अब क्या मान लिया आपने, क्या करोगे अभी आप? करेक्ट, नहीं नहीं आप मानोगे नहीं, आप क्या कैलकुलेट करोगे जिससे आपको लगे कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना रिटर्न वो ला सकता है? इसके बेसिस पे आप क्या बेसिस क्या बोलोगे, क्या लग रहा है आपको कि हाँ भाई ठीक है 5 साल में इतना रिटर्न लाए तो ये ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न ला सकता है? करेक्ट, एम आई राइट? सो आप इमीडिएटली कहना से इसका एवरेज निकालना चालू करोगे, इमीडिएटली कहना से इसका एवरेज निकालना चालू करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका एवरेज, बोलो बोलो चल चल। सो कहना से आप बोलोगे सर 20% है, सर 25 है, सर 15 है, सर 10 है, सर 16 है, सो सर टोटल इतना रिटर्न आया इसका ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तो कितना आ रहा है देखो जरा कैलकुलेट करके बताओ। मुकुल कंबोज बोल रहे हैं सर 17.2% अल्ट्रास्टिम, सो अप्रोक्सीमेटली 17.2% का रिटर्न आया है। तो वो आपको बोलेगा सर सर लास्ट, तो बोलेगा आपको सर लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे, सर लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे सर अप्रॉक्स 17.2% रिटर्न आया है। ए सजगड़ू, समझ रहे हो समझ रहे हो? एंड दिस इज वॉट गिव्स मी माई फर्स्ट फॉर्मूला, जहां पे मुझे बोला गया है कि आपको कभी भी रिटर्न्स देखना हो तो आप सबसे पहले एवरेज रिटर्न निकालेंगे। इस एवरेज रिटर्न को नाम दिया गया है एक्स बार, ठीक है, एक्स बार।
And this average return will be based on past data. Will be based on past data. So past data के ऊपर अगर आपको average निकालना हो तो आप लोग ने क्या किया? Can I say ये past data? अगर आप लोग ये past data है तो ये past data का आप लोग analysis करोगे. ये past data का आप लोग analysis करोगे तो वो कैसे किया? आप लोग ने past data को पांचों को add किया. पास्ट डेटा को पांचों को ऐड किया. सो आप लोगों का फॉर्मूला बन गया एवरेज रिटर्न का. आप लोगों का फॉर्मूला एवरेज रिटर्न का आप लोग ने खुद से ये बनाया. मैंने तो आंसर बोला नहीं 17.2 आप लोग ने बोला. बट कैसे किया इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट अगर मेरे को करना हो तो मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला है सम ऑफ पास्ट ईयर्स रिटर्न्स. सम ऑफ पास्ट ईयर्स रिटर्न्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एम आई राइट? तुम लोग ने सम ऑफ पास्ट ऑफ रिटर्न्स किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया, करेक्ट. सो इसको अगर एक फॉर्मूला के टर्म्स में मेरे को डालना हो, कैन आई से इट इज समेशन किया अपन लोग ने. समेशन किया किसका? रिटर्न्स का समेशन किया. रिटर्न मतलब एक्स. रिटर्न्स मतलब एक्स अपॉन एन. एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स. ये करके मुझे क्या मिलेगा? ये करके मुझे मिलेगा एक्स बार विट इज एवरेज रिटर्न. ए समझे? एंड जी हाँ, ये है मेरा पहला फॉर्मूला. अगेन आप लोग का डिराइव किया हुआ पहला फॉर्मूला. आई विल से दूसरा फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला भी रिटर्न का था, ये एवरेज रिटर्न का दूसरा फॉर्मूला आ गया. गच्चा एवरीबॉडी गच्चा. चल अब एक तो है पास्ट के बेसिस का डेटा, तो पास्ट के बेसिस का डेटा निकालोगे. अब खाली पास्ट को याद ध्यान में रख के क्या आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे या पास्ट के साथ साथ करेक्ट कैन आई से फ्यूचर डेटा को भी एनालाइज करोगे. सो एक तो एवरेज रिटर्न बेस्ड ऑन पास्ट डेटा होता है, दूसरा आएगा एवरेज रिटर्न बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा. जी हाँ. सो यहां पे एक तो भी पास्ट डेटा, ये तो ऑथेंटिकेटेड है, पास्ट में इतना आया है तो आया है, आया है तो आया है, राइट. सो से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आपको पिच करना है SFM के लिए तो मैं आपको पिच करूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये देखो मेरा पास्ट डेटा SCMP का, रैंकर्स एग्जेम्पशन. फ्यूचर का आप लोग को मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना है SFM के लिए, तो अब वो फ्यूचर का बात करेंगे. तो फ्यूचर के लिए क्या देखो, फ्यूचर का तो डेटा चांस के ऊपर है, होगा कि नहीं वो तो पता नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, करेक्ट. बट यहां पर आएगा प्रॉबिलिटी, यहां पर आएगा प्रॉबिलिटी, राइट right, कि भाई इतना होने का चांसेस है. सो अब यहां पे अपन लोग आएंगे एंड अपन लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर डेटा. एंड अपन लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर डेटा. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो एवरेज रिटर्न है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, एवरेज रिटर्न है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. वैसे ही अभी अपन लोग एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, बट अब थोड़ा फ्यूचर डेटा पे. सर पास्ट जो हो गया वो हो गया सर, अभी अपने को तो फ्यूचर में रिटर्न चाहिए सर, है कि नहीं? अपने को अगेन होता ही एक्स बार ही है, बट अपने को तो फ्यूचर में डेटा चाहिए. कभी भी फ्यूचर का डेटा कंफर्म होता है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांस वाला होता है, प्रोबेबिलिटी वाला होता है. आप मेरे को बताओ कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बोल सकता है क्या कि यार मेरे को तो कंफर्म से SFM में 90 आने वाला है? कंफर्म कोई नहीं बोल सकता. आप बोलोगे सर चांसेस है कि मेरे को 90 प्लस SFM में आए से सर 50% चांसेस है, 60% चांसेस है. सर 80 प्लस आए सर 20% चांसेस है. सर 70 प्लस आए सर 10% चांसेस है, राइट. सो आप फ्यूचर में जो भी आप बोलोगे वो एक चांस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बोलोगे, राइट राइट राइट. सो यहां पे अगर मेरे को आपको बोलना है कि भाई क्या रिटर्न्स आने का चांसेस है अच्छा, तो HDFC वाला ही मेरे पास आया.
मैं उसको बोलूंगा कि भाई क्या चांसेस है तेरा, क्या चांसेस है तेरा कि पास्ट के बेसिस पे तेरे को तेरा एवरेज रिटर्न आ जाएगा, तो वो अब अपने को फ्यूचर के बारे में बोलेगा कि सर देखो लग रहा है ये बार कि इकोनॉमी एंड रेन्स आर गोइंग टू बी गुड। सो इकोनॉमी अगर अच्छा होगा तो रिटर्न अच्छा आएगा। सो अगर गुड इकोनॉमी हुआ तो रिटर्न्स अच्छा आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सर गुड इकोनॉमी है ना, होने वाला है ये बार लग रहा है सर, और अगर गुड इकोनॉमी हुआ ना तो सर 20% रिटर्न तक आता है सर। अब क्या चांसेस है तेरा के ये बार गुड इकोनॉमी होगा, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां पे आएगा सर, वो तो कोई नहीं बोल सकता सर, बट 50% सर लग रहा है, सर 50% लग रहा है। अच्छा इकोनॉमी अगर नहीं हुआ तो अच्छा सर क्या होगा? सर ज्यादा से ज्यादा सर बैड इकोनॉमी होगा, ठीक है, कुछ अपना रिलेशन आउटसाइड कंट्री के साथ थोड़ा खराब हो जाएगा। सर बैड इकोनॉमी भी सर हमने 6% रिटर्न तो दिया है सर, पर बैड इकोनॉमी का चांसेस बहुत कम है सर, खाली 12% है सर, बता रहा हूं। और अगर सब थोड़ा गुड थोड़ा बैड भी हुआ तो से फॉर एग्जाम्पल सर मीडियम इकोनॉमी हुआ तो भी सर मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं सर 12% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा उसका क्या चांस है सर? 30% चांस है कि उतना आ जाए। तो अब आपको बताना है मुझे कैलकुलेट करके कि क्या रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस रिटर्न और प्रोबेबिलिटी के खेल के बेसिस पे। सोच समझ के बताओ, आप लोग बताओ सोच समझ के क्या लग रहा है आपको, कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न के खेल के बेसिस पे। तो गुड इकोनॉमी होगा उसका चांसेस है 50%, सो कैन आई से यहां पे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% हो जाएगा पब्लिक। यस, यहां पे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा कितना? वेरी नाइस, पब्लिक आंसर दे दिया है सीधा। मैं बोलूंगा कि यहां पे 10% का, यहां पे 1.2% का प्रोबेबिलिटी है, यहां पे 3.6 का, इसका टोटल करते हैं तो ये लोग ने जवाब दे दिया है एंड दैट इज 14.8% तो अब अगर मेरे को इसको फॉर्मूला के टर्म्स में डालना हो तो क्या करूंगा मैं? अच्छा रिटर्न आया है ये, तो कहना इसे ये एक्स बार है, तो एक्स बार को अब बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, एक्स बार अगर आपको कैलकुलेट करना है और एक फॉर्मूला डालना है बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, देखो मैं तो फॉर्मूला कुछ बता नहीं रहा हूं, आप लोग ही बता रहे हो, करेक्ट, बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा आपको यहां पे फॉर्मूला के टर्म्स में डालना है, तो क्या आएगा आपका जवाब? एवरीबॉडी टेल मी, सोच समझ के जवाब देना। एक्स बार एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑफ द फ्यूचर विल बी, क्या किया है आप लोग ने याद सोच समझ के? कैन आई से आप लोग ने? ओके आई एम वेटिंग। यस, कैन आई से आप लोग ने करेक्ट रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी का सम किया है, मानसी ने बोला है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, मैंने कोई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स नहीं किया यहां पे, वहां पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स करना पड़ता है क्योंकि खाली तेरे पास पास्ट डेटा होता है, यहां पे मैंने चांस से या प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसका एवरेज आउट ऑलरेडी वहां पे हो चुका है मानसी जी। सो पब्लिक बोल रहा है रिटर्न्स इनटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन कर दिया ना बाद में यहां पे, सो यस यू आर राइट सर, हम लोग ने रिटर्न परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, बट कैन आई से उसका फिर समेशन कर दिया और डिवाइड बाय एन वैन कुछ नहीं करना, इसमें सीधा यही आ जाएगा। ए समझ गए एवरीबॉडी?
क्या आपको समझ में आया कैफे अपन लोग ने एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा? फॉर्मूला आपने बनाया या मैंने बनाया, बोलो। फॉर्मूला आपने बनाया, मैंने बनाया। चलो कैन आई से तीन, थर्ड फॉर्मूला भी मेरा इसी के साथ बनता है। बधाई हो, वेल डन, ग्रेट गोइंग, क्लियर एवरीबॉडी? चलो, सो कैन आई से ये, अब मैं तीन फॉर्मूला सीख चुका हूं, तीन फॉर्मूला खुद से डिराइव कर चुका हूं। पहला फॉर्मूला कौन सा? बस ऐसे ही हंसते हंसते एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाओगे, डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, उस एग्जाम्पल के उससे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके फॉर्मूला बना लेंगे। जीत गए आप इस चैप्टर में, याद रखना ये। आइए अब आते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे अपन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे अपन, इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे पहला फॉर्मूला अपन लोग ने सीखा करेक्ट पब्लिक रिटर्न्स का। ओके, क्या कैसे आता है रिटर्न्स फॉर्मूला, बोलो। यस, कैन आई से इट विल बी P1 माइनस P0 करेक्ट प्लस डिविडेंड अपॉन P0। बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कैपिटल अप्रिसिएशन की एंड रेगुलर इनकम की, बराबर पब्लिक? ओके, अब ये रिटर्न्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या एक एवरेज रिटर्न जिसको अपन बोलते हैं एक्स बार बट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, इसका फॉर्मूला निकाला। ये बना मेरा दूसरा फॉर्मूला, क्या बना इसका मेरा फॉर्मूला, बोलो बोलो। चल चल करेक्ट, ये फॉर्मूला मेरा बना क्या, करेक्ट, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एक्स का समेशन करो अपॉन एन। और दूसरा और एक फॉर्मूला निकाला मैंने एवरेज रिटर्न्स का ही, इसको भी एक्स बार बोला बट ये मेरे फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें मैंने क्या बोला, क्या होगा मेरा एवरेज रिटर्न, इसको मैं नाम दूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, बराबर ना, इसको मैं दूंगा नाम एक्सपेक्टेड रिटर्न। हाँ भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर डेटा का क्या होगा, करेक्ट, सो दैट विल बी कॉल्ड एज समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी। समझू, और यहां पे अपन लोग खाली एक पॉइंट लिख लेंगे वेर एक्स इज इक्वल टू रिटर्न, चलो क्लियर है एवरीबॉडी, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चैप्टर में भी, शाबाश। ओके, डेफिनेटली बनता है एक छोटा सा ब्रेक आप लोगों के लिए। यस, सो ब्रेक पे जाने के पहले तीन फॉर्मूलास डिराइव करके याद कर लिए, क्या आप लोगों को लगता है ये फॉर्मूला आप कभी भूलोगे? नहीं, भूलना भी नहीं है, एंड ये फॉर्मूला एंड तक काम आएगा, एंड के सम तक आप लोगों को ये फॉर्मूला काम आने वाला है, सो गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। चलो पब्लिक, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, see you all after the break. Thank you.